منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين कोई चुप न रहे साहेब मिल के कहिए अस्सलातु वस्सलाम। नबीराए शेखुल हदीस कायदे अहले सुन्नत मखदूमुल उलमा वल मशाइख हुजूर किबला साहिबजादा हाफिज मोहम्मद हामिद रजा साहिब हाफिज़हुल्लाह व अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैया व अलैना व अला कुल्ली मिल्लति अहले सुन्नति वल जमा पीरे तरीकत राबरे शरीयत हामिले फसाहत व बलागत सरमाया मुल्क मिल्लत मखदूम अहले सुन्नत अलामा पीर प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल रशीद उवैसी साहेब दीगर मुस्तनद मुकर्रम मुअस्सम जुमला उलमाए इकराम हुफ़ज़ाने इकराम तिलामिज़ा हाज़रीनों सामाईन ख़ुसूसन उनके ख़ानदान वाले उनके भाई उनके बच्चे मैं भी हाफिज़ाबाद से ताज़ियत मसनूना पेश करने के लिए हाजिर हूँ और दुआगो हूँ कि रब ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उवैसी साहिब किबला मुख्तलिफ हवालों से इरशादात आलिया फरमा रहे थे डस्का से हुजूर किबला उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस अलामा मोहम्मद रफीक कादरी हाफिज़हुल्लाह आपके लखते जिगर साहिबजादा हाफिज मोहम्मद हमदुल्ला अरबी साहिब आप भी तशरीफ़ फरमाएँ। मुझे सब नाम तो याद नहीं आ रहे कसीर तादाद में, ना मैं उनके बेटों को जानता हूँ ना उनके दीगर भाइयों को जानता हूँ। हकीम साहब को शायद 12 13 14 साल पहले एक या दो मरतबा मैं मिला था, मगर अल्लामा खावर नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह उनसे गाहे गाहे मुलाकात रहती। मुख्तलि मकामात के लिए वो हुक्म कर दिया करते कि फलां जगह ज़रूरत है हुजूर के ज़िक्र के लिए, नमूसे सहाबा के लिए, नमूसे रिसालत के लिए, अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए, औलिया अल्लाह की इज़्ज़त व असमत के हवाले से। तो फ़कीर उनके फ़ोन पर आ जाया करता और वो बेलौस प्यार करते। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा उस्ताद, इतना बड़ा आलिम वो खुद लेते और लोगों तक पहुँचाते और फिर घर पहुँचने तक पूछते रहते, क्या आप खैरियत से पहुँच गए? जिस वक्त से वो हमसे जुदा हुए इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया है, चांद का मुंह उतरा उतरा तारों ने चमकना छोड़ दिया। वो पास हमारे रहते थे बेरुत भी बहार आ जाती थी, अब लाख बहारें आए तो क्या फूलों ने महकना छोड़ दिया। वो बावफा शख्सियत मैं उन्हें जितना भी खराज तहसीन पेश करूं वो कम है, मगर मैं आपको इस हवाले से एक दो बात सिर्फ सुनाना चाहता हूं कि वो उस्ताद कैसे थे। आपने ऊंची नहीं कहा सुभान अल्लाह, और मैं सिर्फ इस नीयत से हुजूर साहब ज़रा सब आया हूं हाफिज़ाबाद से। मुझे इशा के वक्त कल खबर मिली सोशल मीडिया के जरिए, तो बहुत दिल दुखी हुआ कि मैं जनाजे में शिरकत क्यों ना कर सका। और ये अल्लाह जानता है या आप भी जानते हैं कि मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं आया, अपने भाई से रिश्ता निभाने के लिए आया हूँ। और वो जो वैसी साहब फरमा रहे थे ना, ये असला नाल जो नेकी करिए तो नस्लां तक नहीं भूल दे, तो बेअसला नाल नेकी करिए तो उल्टियाँ चाला। तो शायद वो जिस अंदाज में मेरे नबी के दीन के वफादार थे, मैं इसलिए आया हूं शायद उनके सदके मेरी बख्शिश हो जाए, मैं इसलिए आया। और वो उस्ताद कहते थे हुजूर किबला उस्ताद अलामा खादमी साहब
हफिज़हुल्लाह, अल्लाह आपको सेहत कामिल आजल आता फरमाए। तो वो भी बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, वो अलील हैं, उनको अल्लाह सेहत दे। तो उनके जामिया में एक मरतबा मुझे आपने हुक्म दिया, आप आए तो मैं आया। तो मेरा चूंकि हदीस पाक पढ़ने का एक अपना ज़ौक है, तो जब हदीस पाक पढ़ी तो वहाँ से फिर अलामा खावर साहब से बड़ी मोहब्बतें और उल्फतें, और फिर डस्के वाले उस्तादों की बरकतों से ज़्यादा उनसे उल्फत हो गई। तो ये चंद बरकत के लिए काफ़ी है, बस मेहरबानी मुझे कि या दो मिनट और बात करनी है। तो मैं ये कह रहा था कि जब मदीना तैयबा में एक बच्चे ने मकूफ तक पढ़ लिया तो वो हज़रत इमाम मालिक के पास आया, सियार व आलाम नुबला के हवाले से ये मैं बात कर रहा हूँ। और उसने आकर अर्ज की, हुजूर आप मुझे बताएं मकूफ से आगे पढ़ना चाहता हूँ तो मैं किस जामिया में जाऊँ, किस उस्ताद के पास जाऊँ। आज हम देखते हैं और हमारे तुलबा देखते हैं बिल्डिंग कैसी होगी, नाम कैसा होगा, ये खतीबों में शोहरत वाला होगा कि नहीं होगा, उसको ये नहीं पता कि मोहम्मद का वो फकीर कैसा होगा। हमारे बुजुर्ग कैसे थे, हमारे असातिज़ा कैसे थे और उस्ताद कैसा होना चाहिए। तो हज़रत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा ने फरमाया, फ़ज़हब इला अय्यूब सख्तियानी, तू हज़रत अय्यूब सख्तियानी के पास कूफा में चला जा। तो वो बच्चा अर्ज करता है, कूफे में इतने इतने बड़े उस्ताद हैं, इतने इतने बड़े नाम हैं, इतना इतना बड़ा सरमाया है, इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इतने इतने बड़े जय्यद अस्मा हैं, आपने मुझे उन उस्तादों का बताया जिन्हें मदीना पाक की गली में दूसरा बंदा नहीं जानता। हजरत अय्यूब सख्तियानी की कोई इज्जत व अजमत की कोई बात तो बताएं कि वो सरफ में माहिर हैं, नहव में माहिर हैं, फलसफे में माहिर हैं, वो इल्म तफसीर में माहिर हैं, वो इल्म बलागत में माहिर हैं, वो किस फन में माहिर हैं। तो हजरत इमाम मालिक की आंखों से आंसू आ गए, फरमाया तुम बलागत का फन देख रहे हो, तुम फलसफे का फन देख रहे हो, मैं इश्क मुस्तफा का फन देख रहा हूं। फरमाया वो उस्ताद हैं, अगर आप बोले ना तो मुझे दुख जरूर लगेगा। ये कारी साहब को खिराज तसीन पेश करने के लिए खूबसूरत बात है। फरमाया वो उस्ताद हैं, इजा जुकिरन नबीयू पका, फरमाया वो उस्ताद हैं जिनकी फट्टी पर बैठकर मुस्तफा करीम का नाम लिया जाए, इधर किताब खुलती है उधर मुस्तफा का दीदार हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। आखिरी हदीस पाक के हवाले से बात करना चाहता हूँ। हजरते अब्दुल्ला इब्ने मसाऊद रदी अल्लाहु अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, बयान करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु कदम अपने आदम हत्ता युसअल अन खम्स औ कमा काल। मेरे आका करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन इब्ने आदम एक कदम आगे नहीं चल पाएगा, उससे पूछा जाएगा पांच चीजों के बारे में, अन उमर ही फीमा अफना, बता हमने तुझे उम्र दी तो उम्र को फना किस में करके आया है, वान शबाब ही फीमा इब्तला, और जवानी के मुतालक, बता हमने तुझको एक वक्त जवानी में वो दिया जब तुम धरती पे कदम मारते तो धरती कांप जाती, लोग तेरी ताकत से डरते, पता उस शबाब को कहां गुजार कर आया। फिर उससे पूछा जाएगा, बता अपनी जिंदगी के लैलो नहार तूने कैसे गुजारे, फरमाया फिर पूछा जाएगा, वह माली ही मिन ऐना इक्तसबा वफीमा अनफका, उस माल के मुतालक के तूने कमाया कैसे, फिर उस माल को खर्च कैसे किया। फिर आखिरी सवाल पूछा जाएगा, मा अमिला इजा आलिमा, बता तूने अमल क्या किया जब तूने जान लिया। तो आप इस हदीस पाक की रोशनी में कारी साहिब को देखें तो जब से उन्होंने बचपन से बोलना शुरू किया, माँ ने अपनी गोद में लोरी देकर जाने रहमत की मोहब्बत में दूध के कतरों से
जब सींचा उस खूबसूरत इंसान को तो मेरे नबी की नातों से शुरू होकर अरे जवानी कुरान पढ़ने से लेकर, अरे जवानी हदीस मुस्तफा का इलम लेने से लेकर फिर हुजूर का इलम सिखाने में गुजर गई। एक एक लम्हा कारी साहब का देखो तो रात कयामुल लैल में नजर आती है, दिन काला काला रसूल की सदाओं में नजर आती है।